नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं अधिगम के सिद्धांत लेकर। अधिगम के सिद्धांत है, हमने एक सिद्धांत का अध्ययन कर लिया था, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है। आज हम अध्ययन करेंगे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। वैसे तो सारे ही सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें। इनके सबसे इंपॉर्टेंट तो है, बहुत सारे नाम हैं इनके, उनके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। पहले अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है। कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, यानी इसे बोलेंगे सीआर थ्योरी। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को ही अपन बोलेंगे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, सीसी थ्योरी भी बोलते हैं इसे, या फिर प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत इसी का नाम है ये भी। ध्यानपूर्वक देखते रहें, या इसे अनुबंधन, सीधा अगर अनुबंधन आ गया तो भी इसी का नाम है ये, अनुबंधन का सिद्धांत है। या इसे कहेंगे संबंध प्रत्यावर्तन, कैसे होंगे ये सभी मैं बता दूंगा आपको। संबंध प्रत्यावर्तन, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है। या फिर इसे कहेंगे संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। ये सारे के सारे नाम हैं, ये इसी सिद्धांत के नाम हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। एक दो बार वीडियो देखोगे या एक दो बार इनके साथ में बोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक दो बार इनका अध्ययन बुक में अगर अध्ययन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है, या अनुबंधन का सिद्धांत है, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, या फिर संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। ये सारे के सारे सिद्धांत इसी के नाम है। इस सिद्धांत को देने वाले थे इनके जो प्रवर्तक हैं, ये प्रवर्तक का नाम है इवान पेस्टोविच पावलोव, इवान पेस्टोविच पावलोव ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? इवान पेस्टोविच पावलोव। ये सिद्धांत दिया था दोस्तों 1904 में। ये पावलोव महोदय हैं, ये रूस के थे, ऐसा कहा जाता है कि रूस की सेना में चिकित्सक थे ये। वैसे इनका नाम है आता है शरीर क्रिया शास्त्री में, शरीर क्रिया शास्त्री में मनोवैज्ञानिक का अगर कई बार पूछा जा चुका है। एक बार क्वेश्चन आया था निम्न में से मनोवैज्ञानिक नहीं है, और उनमें पावलोव दे रखा था। अब बच्चे ये सोचते हैं कि ये तो इन्होंने तो एक सिद्धांत भी दिया था, ये तो मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक नहीं थे। हकीकत देखा जाए तो ये चिकित्सक थे, और फिर अगर देखा जाए तो शरीर क्रिया शास्त्री या वैज्ञानिक।
मनोवैज्ञानिक ये नहीं थे। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी ध्यान में रखना। इन्होंने या पावलोव ने किस पर अध्ययन किया? पाँव किसका रोग होता है? कुत्ते का। अच्छा, इसका मतलब इन्होंने प्रयोग किस पर किया है? कुत्ते पर है। कुत्ते पर प्रयोग किया। अब प्रयोग क्या था? इस प्रयोग को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि सभी कहते हैं हमें समझ में नहीं आता, बहुत हार्ड है। हार्ड इसलिए है क्योंकि पढ़ाने से संबंधित या तो अपन खुद ध्यान नहीं देते, या फिर पढ़ाते टाइम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। उस कंफ्यूज को दूर करने के लिए एक एक शब्द को समझना जरूरी है कि वो शब्द क्या है। नॉर्मल से बातें, स्वाभाविक जो साधारण बातें हैं उनको तो अपन समझ पाते हैं, लेकिन अस्वाभाविक जो बातें हैं ना उनको इंग्लिश से अगर जोड़ करके देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो इनको भी ऐसे ही कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो प्रयोग क्या था। प्रयोग में ध्वनि रोधक एक कमरा लिया गया। पावलोव ने एक कमरा लिया ध्वनि रोधक, जिसमें बाहर की जो ध्वनि है वो प्रवेश ना कर सके। उस ध्वनि रोधक कमरे के अंदर उस कुत्ते को बांध दिया, और कुत्ते के शल्य चिकित्सा के द्वारा एक उनकी जो लार ग्रंथियां होती है उस लार ग्रंथियों में एक नली फिट कर दी, और वो जार के अंदर या परख नली के अंदर जिसमें उनकी लार को मापा जा सके, उस लार के मापन हेतु वो नली है वो परख नली के अंदर लगा दी गई। उस लार का उन्हें मापन करना था, जो प्रयोग करना था। अब प्रयोग क्या था? कुत्ते को ध्वनि रोधक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया, ये कुत्ता, और उनके सामने देखो कैसी स्थितियां प्रस्तुत की जाती है। उन स्थिति को, एक एक स्थिति को आपको समझना है। दो ही चीज उनके सामने ली गई है, उस दोनों चीजों को आप आराम से समझे। कुत्ते के सामने भोजन दिया गया, उससे पहले घंटी की आवाज की गई। ध्वनि रोधक कमरा है, उसके अंदर अगर घंटी की, छोटी सी घंटी की किसी भी की आवाज़ करेंगे तो आवाज़ करेंगे, बीप की अगर आवाज़ करेंगे तो उसे सुनाई देगी, और उसके बाद में उस घंटी की आवाज़ पर उनका चौंकना एक नॉर्मल स्वाभाविक सी बात है। उनका देखना कि क्या हुआ, घंटी बजी है, क्रिया कुछ भी नहीं, बस भोजन प्रस्तुत किया गया उनके साथ में। क्या है? भोजन प्रस्तुत किया गया। भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी, क्योंकि ये चीज क्या है, भोजन क्या है, पिछले अपन वीडियो में हमने अध्ययन किया था। बिल्ली के सामने क्या था? मांस का टुकड़ा, और मांस का टुकड़ा बिल्ली के लिए क्या था? उद्दीपक। वो जो उद्दीपक है, इनमें देखो उद्दीपक दो प्रस्तुत हो रहे हैं, तो दो प्रस्तुत हो रहे हैं तो दो उद्दीपक की पहचान कैसे होगी? पहचान ऐसे होगी, एक तो स्वाभाविक है एक अस्वाभाविक है। स्वाभाविक कौन सा होगा? स्वाभाविक तो ये है, यानी जो भोजन है वो स्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक है, और स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया कैसी होगी? स्वाभाविक अनुक्रिया। भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह से क्या गिरी? लार। और ये जो लार क्या है, ये है स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया। अब ये स्वाभाविक उद्दीपक है, तो उद्दीपक तो उन्होंने पहले प्रस्तुत किया था, किसका? बैल बजाई थी, घंटी बजाई थी, घंटी की आवाज की थी, तो ये स्वाभाविक उद्दीपक है, तो ये घंटी क्या होगी? अस्वाभाविक उद्दीपक है। क्या होगी? अस्वाभाविक उद्दीपक है। अब देखिए कुत्ते के सामने घंटी बजाएगी, ध्वनि रोधक कमरा है और कोई दूसरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, घंटी बजाई, भोजन प्रस्तुत किया गया, कुत्ते के मुंह से लाग रही, फिर दोबारा, फिर यही जो चीज है वो फिर दोहराई गई, इस चीज की पुनरावृत्ति की गई, कुत्ते के सामने फिर घंटी, भोजन
घंटी बजाई गई और भोजन प्रस्तुत किया गया, कुत्ते ने वही कुत्ते के मुंह से वही लार गिरी। बार बार इसी क्रिया को दोहराया गया, बार बार इसी क्रिया को दोहराया गया तो कुत्ते ने ये सोचा, घंटी भोजन, घंटी भोजन, घंटी बजाई भोजन प्रस्तुत किया, घंटी बजाई भोजन प्रस्तुत किया, कुत्ते के मुंह से लार गिरी। ऐसे ऐसे प्रतिक्रिया बार 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 ऐसे होते रही। तो एक समय ऐसे आया कि कुत्ते के समझ में आ गया कि ये घंटी बज रही है, उनके बाद में भोजन आ रहा है। तो एक टाइम ऐसा आया कि वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पावलाओं ने सिर्फ घंटी बजाई, घंटी की आवाज़ की, घंटी की आवाज़ करते से कुत्ता समझ गया अभी भोजन आने वाला है। और उनकी जो स्वाभाविक अनुक्रिया है, लार का टपकाना, लार का गिरना, वो लार का गिरना सिर्फ और सिर्फ घंटी की आवाज़ से ही उनके मुंह से लार टपकने लगी, यानी कि अब तो भोजन आने वाला है। तो उनके मुंह से लार टपकने लगी। ये जो अनुबंधन है, ये इन दोनों में क्या स्थापित हो गया? ये जो अनुबंधन है क्रिया की पुनरावृत्ति के आधार पर, इन दोनों में क्या हो गया? अनुबंधन स्थापित हो गया। जो क्रिया, कौन सी क्रिया? लार का गिरना। जो क्रिया पहले भोजन या स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति हो रही थी, जो क्रिया पहले स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन के प्रति हो रही थी, वही क्रिया कौन सी? लार का गिरना अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होने लगी। वही क्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होने लगी। इसी सिद्धांत को कहा जाता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, सॉरी, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसे कहेंगे? जो क्रिया यानी लार का गिरना पहले स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन के प्रति हो रही थी, वही अनुक्रिया अब अस्वाभाविक उद्दीपक किसके प्रति? घंटी के प्रति होने लगी। इसी को कहेंगे अपन अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अब देखो, अनुबंधन स्थापित होने के बाद, अनुबंधन की भाषा में इसे ये उद्दीपक और भोजन और घंटी और लार का गिरना, इनको अनुबंधन की भाषा में अपन क्या कहेंगे? साधारण सी बात है, एक तो ये जो स्वाभाविक है, कई बार इनका नाम पूछ लिया जाता है अनुबंधन स्थापित होने के बाद में घंटी को क्या कहेंगे, साधारण सी बात, घंटी को क्या कहेंगे? अस्वाभाविक उद्दीपक। क्या बोल रहे हैं? अस्वाभाविक उद्दीपक। भोजन को क्या बोल रहे हैं? स्वाभाविक उद्दीपक। अनुबंधन स्थापित हो गया, तो अनुबंधन स्थापित होने के बाद में या अनुबंधन की भाषा में भोजन और घंटी को क्या कहेंगे? तो स्वाभाविक जो चीज है वो है अनानुबंधित। स्वाभाविक नाम है उसकी जगह अनानुबंधित नाम लिख लेंगे, और अस्वाभाविक है उस अस्वाभाविक की जगह अपन नाम लेंगे अनुबंधित। सर समझ में नहीं आया? देखो स्वाभाविक है, स्वाभाविक जो चीजें हैं उनके ऊपर कोई शर्त थोड़ी टिकी होती है, वो तो अनानुबंधित है, अनुबंधित है, बिना अनुबंधन के वही चीज तो स्वाभाविक है। और जो अस्वाभाविक है उसमें कुछ न कुछ शर्त जुड़ी हुई होती है, उनमें अनुबंधन जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए अस्वाभाविक को अनुबंधित कहा जाता है। यानी जो क्रिया लार का गिरना पहले भोजन के प्रति हो रहा था, वही क्रिया घंटी, घंटी के साथ में होने लगा, तो घंटी का मतलब हो गया इनके साथ में शर्त जुड़ गई, अनुबंधन इनके साथ में स्थापित हो गया। तो अनुबंधन स्थापित हो गया तो ये अस्वाभाविक, ये अस्वाभाविक नाम किस में आएगा? अनुबंधित में, अनुबंधित में। इनको बोलेंगे अपन, इंग्लिश नेम बताता हूं मैं, अनानुबंधित, अनकंडीशन, ये है इसमें तो शर्त जुड़ी हुई होती है, कंडीशन है ये, और ये है अनकंडीशन, यानी स्वाभाविक को बोलेंगे अनकंडीशन। उद्दीपक और अनुक्रिया को आपको पता ही है, उद्दीपक स्टिमुलस
और ये अनुक्रिया है, ये है रेस्पॉन्स। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में अपने पढ़ा था स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस यानी उद्दीपक और अनुक्रिया मतलब रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स क्या अनुक्रिया हो रही है, क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है, ये अनुक्रिया। अपन इंग्लिश में कई बार बोलते हैं कि उस चीज़ का हमें क्या रेस्पॉन्स मिला, यानी उसकी क्या प्रतिक्रिया रही, क्या अनुक्रिया रही, क्या क्रिया रही, क्या प्रतिक्रिया रही, वो रेस्पॉन्स है। ये स्टिमुलस यानी उद्दीपक। तो इसमें ये नाम है, ये जोड़ना है सिर्फ और सिर्फ कौन से में, स्वाभाविक का क्या हो गया अनानुबंधित और अस्वाभाविक का हो गया अनुबंधित। अब देखो घंटी, घंटी के प्रति जो लार का गिरना, जो लार गिर रही थी वो क्या थी, अस्वाभाविक अनुक्रिया, अस्वाभाविक अस्वाभाविक अनुक्रिया। और ये स्वाभाविक अनुक्रिया, घंटी के बाद में जो लार का गिरना है, घंटी की आवाज़ अस्वाभाविक उद्दीपक है, तो उनके प्रति होने वाली अनुक्रिया भी कैसी होगी, अस्वाभाविक अनुक्रिया। भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, तो उनको देख करके लार का गिरना क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया। अब सिर्फ और सिर्फ स्वाभाविक और अस्वाभाविक इनकी नाम की जगह स्वाभाविक को नाम बताना है अनानुबंधित, अस्वाभाविक को बताना है अनुबंधित। आपको पूरा का पूरा खेल समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा सिद्धांत इसी नाम पर टिका हुआ है। अब स्वाभाविक को अपन अनकंडीशन क्यों कहेंगे, अनकंडीशन क्योंकि इनके ऊपर कोई भी शर्त जुड़ी हुई नहीं है, इसीलिए अनुबंधन के बाद में जो नाम है वो इंग्लिश नेम के हिसाब से है। ये जो स्वाभाविक उद्दीपक है इसको क्या नाम देंगे अपन, अनकंडीशन स्टिमुलस, और ये हो जाएगा अनकंडीशन रिस्पॉन्स, ये हो जाएगा कंडीशन स्टिमुलस, और ये हो जाएगा कंडीशन रिस्पॉन्स। आ गया ध्यान, अनुबंधन के बाद या अनुबंधन की भाषा में घंटी को क्या कहेंगे, अनुबंधन की भाषा में घंटी को क्या कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ अस्वाभाविक की जगह क्या जोड़ना है हमें, अनुबंधित। अनुबंधन की भाषा में घंटी को क्या कहेंगे, अस्वाभाविक की जगह क्या जोड़ना है, अनुबंधित, अनुबंधित उद्दीपक। समझने की कोशिश करें, अनुबंधन की भाषा में घंटी को क्या कहेंगे, अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधन की भाषा में घंटी को देख करके, घंटी की आवाज़ को सुन करके गिरने वाली लार है उसको क्या कहेंगे, अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया। अनुबंधन की भाषा में भोजन को क्या कहेंगे, अनानुबंधित उद्दीपक। भोजन को देख करके गिरने वाली लार को क्या कहेंगे, अनानुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित अनुक्रिया। आ गया समझ, सारा खेल समझ में आ गया। अब पूरा का पूरा सिद्धांत इसी पर टिका हुआ है, इसलिए ये चीजें याद होनी जरूरी थी। एक एग्जाम में देखा था मैंने, एक सूत्र बताया हुआ था, उस सूत्र को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो घंटी को देख करके और क्या प्रतिक्रिया होगी, कुछ है नहीं। भोजन को देख करके, भोजन को देख करके लार गिरेगी, भोजन को देख करके लार गिरना एक चीज, ये चीज स्वाभाविक है। घंटी को देख करके कुछ भी नहीं, तो इसको अनुबंधन होने के बाद में अपन क्या देखेंगे। देखो घंटी, घंटी को क्या बोल रहे हैं, सीएस, ये हो गया सीएस। भोजन, घंटी के बाद में क्या दिया, भोजन, और भोजन को क्या क्या नाम देंगे, यू सी एस, शॉर्ट में ना देखो यू सी एस, अनकंडीशन स्टिमुलस या स्वाभाविक उद्दीपक,
यू सी एस, और उनके बाद में उनको देख करके गिरने वाली लार क्या है, यू सी आर है, यू सी आर। कंडीशन जो स्टिमुलस है अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी है उनको देख करके, और अस्वाभाविक अनुक्रिया, अस्वाभाविक अनुक्रिया लार का गिरना वो क्या हो जाएगा, सी आर। भोजन को देख करके गिरने वाली जो लार है उसी के प्रति देखो, घंटी को देख करके घंटी की आवाज पर सीधी लार टपकाना शुरू हो गया, तो ये हो गया सी आर। ये सूत्र ऐसे बनेगा देखो, सी एस उनके बाद में यू सी एस और उनके बाद में यू सी आर, ये घंटी भोजन लार और उनके बाद में बनेगा फिर घंटी सी एस, और सीधा फिर भोजन की कोई भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इनमें अनुबंधन स्थापित हो गया, ये आ गया सी आर। दिखाई नहीं दे रहा है तो एक बार थोड़ा सा मैं इधर लिख दूं, सी एस यही लिखा मैंने, यू सी एस और फिर यू सी आर, इसको फिर हटा देंगे बीच में से, सी एस और सी एस से सीधा आ जाएगा सी आर। ठीक है दोस्तों, ये था थोड़ा सा सूत्र, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये चीज़ें अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी स्तर पर गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो एक नाम आया है अनुबंधन का सिद्धांत, इनमें सभी में अनुबंधन छिपा हुआ है, सभी में ये अनुबंधन है क्या, अनुबंधन पुनरावर्ती के आधार पर, किसके द्वारा पुनरावृत्ति, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, घंटी भोजन घंटी भोजन, पुनरावृत्ति के आधार पर जो संबंध स्थापित होता है, पुनरावृत्ति के आधार पर जो संबंध स्थापित होता है उसे ही कहा गया है अनुबंधन। पुनरावृत्ति बार बार पुनरावृत्ति हो रही थी, उस पुनरावृत्ति के आधार पर जो संबंध स्थापित हो गया उस संबंध को क्या बोलेंगे, उस संबंध को बोलेंगे अनुबंधन। पुनरावृत्ति के आधार पर, पुनरावृत्ति पर बल भी देता है ये, पुनरावृत्ति के आधार पर जो संबंध स्थापित होता है उसे क्या बोलेंगे, अनुबंधन। अनुबंधन बताइए, अनुबंधन का जनक कौन है, अनुबंधन का जनक, अनुबंधन का जनक भी क्या है, कौन है, पावलाव। पावलाव को अनुबंधन का जनक भी माना जाता है, और इस सिद्धांत के फलस्वरूप, अनुबंधन के सिद्धांत के फलस्वरूप 1904 में शरीर क्रिया शास्त्री वैज्ञानिक पावलाव को 1904 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कौन हुए हैं, पावलाव। 1904 में इस सिद्धांत के फलस्वरूप यानी अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था उस अनुबंधन के आधार पर ही उन्हें 1904 का शरीर क्रिया शास्त्री या शरीर क्रिया विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इवान पेस्ट्रोविच पावलाव को दिया गया। ये था सिद्धांत। इसी सिद्धांत को जैसे बार बार दोहराने वाली चीज को वाटसन ने अल्बर्ट नामक एक बालक पर प्रयोग किया था। इसमें होता क्या है, अल्बर्ट को एक खिलौना दिया गया, रोएदार है, रोएदार खिलौना खिलौना दिया गया, उस खिलौने को उन्होंने स्पर्श किया, स्पर्श करने जैसे स्पर्श कर रहा था वैसे ही उन्होंने एक जोर की आवाज़ निकाली, किसी न किसी डरावनी चीज़ों की शेर किया जो भी है, दहाड़ की आवाज़ निकाली, तो उससे बालक है वो चौंक गया। फिर दोबारा वही प्रतिक्रिया दोहराई गई, वही चीज़ से उस चीज़ की पुनरावृत्ति की गई, वो जो ही स्पर्श कर रहा था स्पर्श करते से ही वो दोबारा फिर आवाज़ निकाली तो आवाज़ से बालक फिर चौंक जाता है। मतलब वो ऐसे उनमें दोनों में अनुबंधन ऐसे स्थापित हो गया कि कहीं ना कहीं ये रोएदार चीज़ें हैं ना उनको मैं छूने की कोशिश करता हूँ उस समय ये आवाज़ आ रही है, तो रोएदार चीज़ों से वो डरने लगा। अब एक टाइम ऐसा आया कि उनके सामने खरगोश प्रस्तुत किया गया, रोएदार होता है
या किसी न किसी और दूसरा दूसरे का जो खिलौना है वो प्रस्तुत किया गया जो रोएदार हो दूसरा किया गया, तो उनको बालक उनको देख करके डरने लगा, यानी उनको मैं अगर स्पर्श करूंगा तो ये दूर से इधर डरावनी आवाज आएगी, तो उनको देख करके उन दोनों में क्या है अनुबंधन है स्थापित हो गया। तो वाटसन ने अल्बर्ट नामक के बालक पर प्रयोग किया था, वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये चीज़ें पूछ ली जाती है कई बार, ऐसा नहीं हो कि ये चीज़ें चल रही है और उनके बीच में ये बातें ध्यान में आ जाए तो याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित क्या पता कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर ऐसे ही अपन विस्तृत जैसे कोई न कोई एग्जाम होते हैं बीएड वाले एग्जाम लड़के हैं वो अगर परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बजाय जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनमें अगर वो लिख भी दे तो बढ़िया है, उनके लिए भी अच्छा है। अब देखो शैक्षिक महत्व की इस सिद्धांत में, इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, शैक्षिक महत्व की अपन चर्चा करते हैं। शैक्षिक महत्व में देखो बच्चा तभी सीखता है जब वह सतर्क या सावधान रहता है, शैक्षिक महत्व है। जब कोई भी बच्चा अगर सतर्क है या सावधान है तभी सीखेगा, ये चीजें निश्चित है, बच्चा तभी सीखेगा जब वह सावधान रहता है। कुत्ता सतर्क था, सावधान था, घंटी के बाद में भोजन प्रस्तुत किया गया, घंटी बजते से ही लार का गिरना, उनमें अनुबंधन स्थापित हो गया, यानी सावधान या सतर्क। यह सिद्धांत जो सर्वदर्शी सामग्री होती है, सर्वदर्श सामग्री कक्षा कक्ष में अपन सर्वदर्श सामग्री का प्रयोग करते हैं वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। सर्व सुनना क्या, घंटी की आवाज देखना क्या, भोजन। सर्वदर्श सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है, मतलब बार बार कोई किसी न किसी चीज को अपन दिखाएंगे तो बच्चा सीख जाएगा, सर्वदर्श सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है, क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है। पुनरावृत्ति के द्वारा, किसके द्वारा, पुनरावृत्ति के द्वारा के आधार पर अनुबंधन स्थापित करने पर बल देता है, किसी भी चीज की अगर पुनरावृत्ति हो रही है, क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल, घंटी भोजन क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल, और पुनरावृत्ति के आधार पर क्या स्थापित करने पर बल देता है, अनुबंधन। जैसे अपन गेट के, अपन घर में एंटर करते हैं तो गेट के जस्ट पास में ही जूते रखने का रेक होता है, मान लो बाई साइड में रेक है, हमेशा अपन और कहीं से बाहर से आते हैं रेक पर जूते निकाले, घर के अंदर आंगन में प्रवेश कर लिया, अब बार बार रेक उधर है तो ऑटोमेटिक उस साइड में जाएंगे जिस साइड में रेक है, बाईं साइड में रेक है। अब अगर उस रेक का स्थान चेंज कर दिया गया, बाईं साइड की जगह दाईं साइड में लगा दिया, दाईं साइड में रेक लगा दिया, तो हम अपन घर के एंटर करेंगे, घर में एंटर करते सही अपन कौन सी साइड में जूते निकालने के लिए कौन सी साइड में जाएंगे, बाईं साइड में, क्योंकि उस बाईं साइड से अपना क्या स्थापित हो चुका है, अनुबंधन स्थापित हो चुका है, तो उस साइड में जाएंगे। टाइम का कई बार, आजकल तो मोबाइल सभी के पास में मोबाइल हो गया है, पहले घड़ी रखते थे हाथ में, घड़ी, और घड़ी अगर किसी ने लगातार घड़ी बांधी है और बाद में फिर मोबाइल रखने लग गया घड़ी को खोल के और छोड़ दिया कि
भी अब घड़ी बांधने की क्या आवश्यकता है, मोबाइल है, मोबाइल में टाइम देख लेंगे। तो उनके बाद में अगर कोई पूछेगा कि भी टाइम क्या हुआ है, तो मोबाइल नहीं निकालेगा, पहले सिर्फ हाथ की तरफ ध्यान जाएगा कि क्या टाइम है। उनके बाद में अरे ध्यान के कौन सी साइड में ध्यान जाएगा, ध्यान घड़ी की तरफ जाएगा, घड़ी की तरफ, हाथ की तरफ जाएगा, क्योंकि उससे हाथ के साथ में घड़ी के साथ में उनका अनुबंधन स्थापित हो चुका है। इसलिए बाई साइड की बजाय और दाई साइड में अगर रेक को रख दिया गया है तो अपन किस साइड में जूते निकालने के लिए जाएंगे, बाई साइड में, क्योंकि बाई साइड से अपना अनुबंधन स्थापित हो चुका है। और वो अनुबंधन स्थापित कैसे हुआ, किसके आधार पर हुआ, पुनरावृत्ति के आधार पर, और ये सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है। ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इन चीजों को ध्यान में रखना आवश्यक है। किसी प्रकार ऐसे इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो इनको ध्यान में होना चाहिए। जैसे अनुबंधन ऐसे बार बार ऐसी चीजों से क्रिया की पुनरावृत्ति के आधार पर ही अनुबंधन स्थापित होता है। सामने की साइड में घड़ी लगाई गई है और घड़ी में अपन जो दीवार घड़ी होती है उसमें टाइम देख के अपन काम करते हैं, और अपन उस घड़ी का अगर स्थान चेंज कर दिया जाए, उस साइड की जगह बजाय इस साइड में लगा दी जाए, दूसरी दीवार पर घड़ी लगा दी जाए, तो अगर कोई पूछेगा कि टाइम क्या हो गया, तो अपनी नज़र किस साइड में जाएगी, उस साइड में, सामने वाली दीवार पर, क्योंकि सामने वाली दीवार से अपना अनुबंधन स्थापित हो चुका होता है। नेक्स्ट अगला देखिए, ये जो सिद्धांत है ये भाषा को सीखने सिखाने के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष उपयोगी है। भाषा को सीखने सिखाने कैसे सर, भाषा को सीखने सिखाने के लिए कैसे, जैसे किसी भी चीज को अपन बार बार दोहराते हैं, छोटा बच्चा कैसे सीखता है, ऐसे सीखता है। उसके साथ में एक चीज को अपन कितनी बार दोहराते हैं बच्चे के साथ में, इसलिए वो भाषा को सीख जाता है। एक छोटा बच्चा है वो अपनी खुद की अपनी भाषा बोलेगा, और एक बच्चा इंग्लैंड में पैदा हुआ है वो छोटा बच्चा है, उस बच्चे को अगर इंग्लैंड में पैदा हुआ है वो उस बच्चे को हमारे ले आओ और हमारे जो बच्चा है वो इंग्लैंड में भेज दो, वो भाषा कैसे बोलेगा, वहाँ जो बच्चा रहेगा वो इंग्लिश बोलेगा, क्योंकि भाषा का प्रयोग बार बार सीखने सिखाने से उनके सामने यही भाषा का दोहराव या पुनरावृत्ति हुई है, पुनरावृत्ति हुई है तो भाषा को वो सीख जाएगा। आदतों का निर्माण, आदतों का निर्माण, आदत कैसे लगती है, वही बार बार किसी चीज की पुनरावृत्ति की जाए, बार बार उसी चीज की पुनरावृत्ति होगी तो आदतों का निर्माण होगा। आदतें चाहे बुरी हो चाहे सही हो, आदतें, आदतें क्या होती हैं, अर्जित होती हैं। आदतें जन्मजात नहीं होती, आदतें अर्जित होती है। आदतें यानी लत, कई अच्छी भी होती है आदतें। लत पर गाना है ना, मुझे तो तेरी लत लग गई, यानी ये जो है ना लत या आदत, आदतों का निर्माण है वो भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। इनके अलावा भय संबंधी या फिर मानसिक जो भ्रांतियां हैं, मानसिक भ्रांतियां, उनको दूर करने के लिए भी ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानसिक भ्रांतियां है, भय संबंधी है, ये चीज़ें देखो अपन ने जो पुरानी रीति रिवाज है वो चलती आ रही है और वो रीति रिवाज अपन छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसको समझो, बार बार उसी चीज़ को करो। जैसे बिल्ली द्वारा रास्ता काटने के बाद में अपन लोग आगे ही नहीं बढ़ते हैं, और अगर आगे बढ़ गए किसी न किसी कारणवश से, वो जरूरी नहीं है कि उसी वजह से हुआ हो, और अगर हो गया कोई ना कोई नुकसान हो गया तो कहेंगे कि बिल्ली द्वारा रास्ता काट लिया गया था इस वजह से और मेरे को ये नुकसान हुआ है। इस चीज़ का बार बार विरोध करोगे, बार बार अगर दोहराव करोगे, अगर बिल्ली द्वारा रास्ता काट लिया, काटने के बाद में आप किसी न किसी काम में जाओ, और आप काम में जाने के बाद में ऑफिस में बैठ रहे हैं, जो ही बैठ रहे हैं, कुर्सी टूटी हुई है थोड़ी सी, आपने ध्यान नहीं किया, उसके ऊपर बैठे और कुर्सी टूटी हुई थी, आप कुर्सी से धड़ाम नीचे गिर गए, अब दोष किस पर लगाओगे,
बिल्ली पर के बिल्ली द्वारा रास्ता काट लिया गया था, जबकि यह बिल्ली का दोष नहीं है, वो दोस्त था कुर्सी का। कुर्सी टूटी हुई थी, आपने खुद ने ध्यान नहीं किया। तो ये चीजें हैं, इनको अगर बार बार क्रिया को दोहराएंगे तो दोहराएंगे, उनके बाद में अगर होगा तो आप ये जो भय संबंधी है, मानसिक भ्रांतियां, इनको दूर किया जा सकता है। वैज्ञानिक तथ्य, बिल्ली के द्वारा रास्ता काटने पर वैज्ञानिक तथ्य कुछ अलग है। बिल्ली के शरीर में ऐसी, मतलब उनकी त्वचा है वो ऐसी होती है, उन त्वचा के कारण उनमें से किरणें निकलती है, उस कुछ क्षण के लिए हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती है, उन आंखों में थोड़ा फर्क जरूर पड़ता है। वैज्ञानिक कारण ये है कि बिल्ली अगर दिखे तो थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि अगर उनकी चमड़ी से हम अपनी नज़र टकरा गई तो कुछ समय के लिए, थोड़ा सा, कुछ क्षण के लिए ही होता है, कुछ पल के लिए होता है। और उसी समय अगर आगे रास्ते में पत्थर पड़ा है, वो पत्थर से ठोकर लग गई, तो अपन तो यही सोचेंगे बिल्ली का दोस्त है। बिल्ली का दोस्त नहीं है। बिल्ली को अगर जा रही है, रास्ता काट रही है, तो बिल्ली को रास्ता काटने दे, क्या पता बिल्ली हमसे ज़्यादा जल्दी में हो। कहने का कारण ये है कि ये जो भय संबंधी मानसिक भ्रांतियाँ हैं, उनको बार बार अगर पुनरावृत्ति करोगे तो वो दूर हो जाएगी। कैसे होगी? अपन ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते बिल्ली द्वारा रास्ता काट लिया, अपन छोड़ो के बिल्ली द्वारा रास्ता काट लिया, लेकिन अपन पूरे दिन में, पूरे दिन की प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया अपन देखेंगे। पहले दिन जाएंगे, हमारे दिमाग में वही चल रहा है, बिल्ली के द्वारा रास्ता काट लिया अपन ने, अपन आए हैं। लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ, वैसे वो कुर्सी वाली बात बताई थी, वो भी अगर हो गई तो बिल्ली पर दोष निकालेंगे। उनके बाद में अपन आने के बाद में पूछेंगे कि कुछ गलत हुआ, तो वो गलत तो बताएगा ही, बोले मैं आज कुर्सी पर बैठ रहा था, कभी नहीं गिरता हूँ, आज गिर गया था, वो उसी पर दोष के। चलो कोई बात नहीं, फिर दोबारा दूसरे दिन कि जाओ, चलो बिल्ली के द्वारा रास्ता काट लिया, और उनके बाद में चले जाओ का आप ऑफिस। ऑफिस गए, ऑफिस जाने के बाद में थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ वो जो भी गलत होगा वो उस पर ही जोड़ेगा, लेकिन फिर बोला वो थोड़ा कम होगा, बोले का आज तो ज़्यादा नहीं लेकिन ये हुआ था। फिर दोबारा, फिर तीन बार, फिर चार बार, ऐसे बार बार करेंगे तो किसी न किसी दिन तो उनका बॉस उस पर खुश होगा ही होगा, उनके काम को, उनकी लगन को देख करके। और एक दिन ऐसा आएगा जिस समय उनको, मतलब पूरे दिन में कुछ भी गलत नहीं हुआ हुआ उनके साथ, और बॉस ने शाबाशी दी होगी, क्या काम के लिए उनकी पीठ थपथपाई होगी, और आने के बाद में अपन पूछेंगे हाँ बोलो भाई आपके साथ में आज बुरा हुआ, तो बुरे के लिए वो बोलेगा कि आज कैसा बुरा यार, मेरा तो पूरा का पूरा दिन है आज एंजॉय के साथ बीता। आपको पता है मेरे बॉस ने, है ना, मुझे शाबाशी दी है, मुझे काम करने के लिए मुझे प्रमोशन मिला है, इस प्रकार बोलेगा। तो इस प्रकार ये जो भय संबंधी मानसिक जो भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को बार बार किसके द्वारा, पुनरावृत्ति के द्वारा इसे भी दूर कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत बालकों के सामने कभी ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति न करें जो आगे चल करके कुंठाओं में परिवर्तित हो जाए। ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति न करें जो आगे चल करके किस में बदल जाए, कुंठा में। कुंठा में परिवर्तन होने वाले ऐसे शब्द कौन से होते हैं? जैसे तू तो नालायक है, तू तो गधा है, बार बार यही शब्द कहेंगे तो लास्ट में बच्चा भी सोचने लगेगा कि वास्तव में मैं नालायक हूँ, मैं गधा हूँ। एक चीज़ के लिए बोल दिया कि बच्चे को कि तू तो गधा है, तू तो कुछ कर भी नहीं सकता। अगर बच्चे से कुछ नुकसान हो भी गया तो बच्चा है। और देखो उनके बाद में फिर उनके दोस्त आए, दोस्तों के सामने भी, अरे तू तो गधा है, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, दोस्तों के सामने भी उसे गधा बोल दिया। कभी अपने घर में मेहमान आए और मेहमान के सामने भी उन्हें गधा बोल दिया कि अरे तू तो गधा है, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो कुछ अच्छा भी करेगा ना, तो वो दिमाग में वो पहली बात रहेगी कि मेरे पिता है, मेरे पेरेंट्स हैं, वो मुझको तो गधा ही बोलते हैं, तो वास्तव में रियल में उनको लगने लगेगा कि वास्तव में मैं तो गधा हूँ। तो इस प्रकार की बातें उनके दिमाग में घर कर जाती है, घर कर जाती है, तो वो कुंठाओं में परिवर्तित हो जाती है। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि उनसे अपन काम करवाने के लिए कहेंगे कि चलो जाओ वो काम कर लो, तो वो तो नहीं कहेगा, नो करेगा ही नहीं। और उनके साथ में वो कहेगा कि क्यों, मैं क्यों करूँ, मैं तो गधा हूँ। मतलब ये चीज़ें, ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति कभी भी नहीं करें जो आगे चल करके कुंठाओं में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि प्रेम और घृणा
प्रेम और घृणा का विकास इसी सिद्धांत पर आधारित है। बार बार किसी चीज को प्रेम करते रहो हो जाएगा, और बार बार किसी चीज से नफरत करते रहो घृणा में तब्दील होता रहेगा। ये इसी सिद्धांत पर आधारित है, और यही सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। कौन से तरीके पर है? यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल। कैसे? बार बार वो चीजें, बार 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 यांत्रिक तरीके से कैसी होती है? एक ही एक चीज बार बार उसी आकार की हो जाए तो वो यांत्रिक तरीका होता है। यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। एक दो ऐसे शब्द हैं, ये था शैक्षिक महत्व है। एक दो ऐसे शब्द हैं जिनको समझ लो। एक नाम आता है विलोप। अनुबंधन स्थापित होने के बाद सिर्फ और सिर्फ अस्वाभाविक उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाए। अस्वाभाविक उद्दीपक कौन सा? घंटी। सिर्फ घंटी ही प्रस्तुत की जाए तो जो अनुक्रिया उनके साथ में अनुक्रिया स्थापित हो गई थी, उस अनुक्रिया का विलोप हो जाएगा, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। उसे क्या बोलेंगे? विलोप। एक नाम आता है उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण है, उद्दीपक से मिलता जुलता, अनुबंधन स्थापित होने के बाद में उद्दीपक से मिलता जुलता, यानी घंटी से मिलता जुलता कोई किसी दूसरी चीज की अगर आवाज की जाए, बीप की आवाज की जाए, बिसल की आवाज की जाए, तो भी उनके सामने, जैसे कुत्ते के सामने है, वो वही अनुक्रिया दर्शाएगा। वो ये होता है उद्दीपक सामान्यीकरण। दो चीजें हैं, थोड़ा सा आपको भी कंफ्यूज कर रही होगी। जैसे इसमें है क्रिया की पुनरावृत्ति, इसमें पता कैसे चलेगा? सतर्क सावधान है। जैसे बिल्ली वाले में भी थे इसी चीज की जो आवृत्ति है वो बार बार हो रही थी। अब बिल्ली वाला है, बिल्ली तो थी तत्पर है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या थी? तत्पर। और कुत्ता, है सतर्क या सावधान है। अंतर देखो आप, ये तो तत्पर है। तत्पर का मतलब होता है मानसिक रूप से तैयार है, मानसिक रूप से तैयार है तभी वो करके सीख रही थी उस काम को। बिल्ली खुद बार बार कर रही थी, खुद तत्पर थी। और इसमें कुत्ता सतर्क या सावधान, ये अपने आप ही हो रहा है। क्रिया की सिर्फ और सिर्फ पुनरावृत्ति हो रही है। आदतों का निर्माण इसी प्रकार से होता है, बार बार किसी चीज को। जैसे ये तो सतर्क और सावधान है, मजे के साथ में जो कुछ हो रहा है बस उस चीज की पुनरावृत्ति हो गई, बार बार हो गई। जैसे घर के अंदर रेख वाली बात है, जूते रखने का इस साइड में था, उसके साथ में अनुबंधन स्थापित हो गया तो बार बार अपने आप हो रहा है। ये तो अपने आप हो रहा है, जिस चीज का आदतों का निर्माण हो गया और इसमें खुद कर रही है। तो बिल्ली तो क्या थी? तत्पर है। और ये कुत्ता क्या है? सतर्क। थोड़ा सा इनमें ध्यान में रखना, तत्पर या मानसिक रूप से तैयार है, और ये सतर्क यानी अपने आप मजे के साथ में जो कुछ भी होता है। तो इनमें थोड़ा सा ये अंतर है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।